तो गाइस अभी सुपर हीरो और मैं यानी कि रॉप हीरो आ चुके हैं GTA 5 में। और गाइस आज हम लोग मिलने जा रहे हैं टिप्सन दादा के एक दोस्त से जो कि एक जादूगर है। और गाइस आज वो हमको एक सुपर पावर देगा जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो अभी हम लोग जल्दी से अपने धनों के ऊपर बैठते हैं और फटाफट से चलते हैं टिप्सन दादा के उस जादूगर दोस्त के पास। अरे चल रॉप हीरो, अभी तो मैं भी बाइक पर बैठ गया, जल्दी से बाइक को स्टार्ट कर ले। अरे हाँ सुपर हीरो, बाइक तो स्टार्ट हो गई लेकिन तू कस के पकड़ लेना, वैसे मैं गाड़ी काफी तेज चलाता हूँ। अरे मैंने तो कस के पकड़ लिया, अभी तू चाहे कितनी भी तेज चला मेरे को डर नहीं लगता। ओके सुपर हीरो, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से पहुँचते हैं लोकेशन के ऊपर। अरे रॉप हीरो बाइक को थोड़ा धीरे कर ले, लोकेशन तो यही कहीं की बता रहा है। अरे हाँ यार सुपर हीरो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ की लोकेशन ही बता रहा है, मुझे लगता है वो इधर की तरफ होगा। तो फिर चलो यार अभी हम लोग अपनी गाड़ी को इधर मोड़ लेते हैं और वो जादूगर का बच्चा तो यही कहीं पर होगा। अरे हाँ रॉप हीरो, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही लोकेशन बता रहा है। अरे सुपर हीरो वो देख, मुझे तो लगता है वही है टिप्सन दादा का दोस्त जो कि सामने खड़ा है, मुझे लगता है ये हमारा इंतजार कर रहा है। चल अभी फटाफट से इसके पास में चलते हैं। अरे हाँ रॉप हीरो, लेकिन थोड़ा अच्छे से बात करना, वो जादूगर है कहीं अपने को चूहा बिल्ली ना बना दे। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे सर क्या आपका नाम ही जलेबी जादूगर है, मुझे टिप्सन दादा ने भेजा है। अरे हाँ रॉप हीरो, तुम्हारे बारे में मुझे टिप्सन ने पहले ही कॉल करके बता दिया था। अरे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने आपको सुपर पावर देने के लिए नहीं कहा क्या? अरे मुझे सब पता है, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हें एक अच्छी सी सुपर पावर देनी है। अरे तो सर फिर देरी मत करो, जल्दी से बता दो आप मुझे कौन सी सुपर पावर दोगे और उससे मुझे कैसे यूज करना होगा। अरे आज मैं तुमको जो सुपर पावर दूंगा उसकी मदद से तुम ऐसे व्हीकल्स चला पाओगे जो तुमने आज तक देखे भी नहीं होंगे। अरे वायर ये पावर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इसका यूज कैसे करूंगा? अरे इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा, ना मुझ चाहिए ना दाढ़ी, जल्दी से आ जा एक शानदार सी गाड़ी। ओके सर अभी तो मैं समझ गया, अभी इसको ट्राई करूंगा। लेकिन ये क्या, देखो सुपर हीरो ये जादूगर तो कहीं पर गायब हो गया। अरे फिर अभी हम जादूगर का क्या करेंगे, हमको सुपर पावर तो मिली गई ना, चल अभी चल के ट्राई करते हैं। हाँ यार सुपर हीरो बात तो तूने बिल्कुल सही कही, चल अभी जल्दी से आकर अपनी बुलेट पर बैठ जा। और अभी हम लोग किसी अच्छी वाली लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पर चलकर हम सुपर पावर का यूज कर पाए। अरे हाँ यार चल फटाफट से चल, मुझसे तो अभी इंतजार भी नहीं हो रहा है। तो चलो अभी हम लोग शॉर्टकट लेते हैं। और ये देखो गाइस अभी तो हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए। ओ तेरी, लेकिन ये क्या, अभी तो हम दोनों नीचे गिर गए। चल सुपर हीरो अभी फटाफट से उठ जा। अरे यार रॉप हीरो, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, गाड़ी को गिरा देता है। अरे सुपर हीरो वो सब छोड़, चल अभी हम लोग सुपर पावर को ट्राई करते हैं। गाइस अभी जादूगर ने हमको जो मंत्र बताया था अभी हम लोग उसको बोल के ट्राई करते हैं। ना मुझ चाहिए ना दाढ़ी, जल्दी से मिल जाए एक शानदार वाली गाड़ी। और गाइस अभी तो यहाँ पर हमारी पहली गाड़ी आ गई और ये तो एक काऊ कार है। अरे यार ऐसी भी कोई कार हो सकती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो चलो गाइस अभी हम लोग इसको चला के ट्राई करते हैं, पता नहीं ये कैसी चलने वाली है। और ये देखो गाइस अभी तो हमारी काऊ कार चल पड़ी। अरे वायर रॉप हीरो ये कार तो काफी शानदार है, और ऐसी कार में तो मैं पहली बार बैठा हूँ। हाँ यार सुपर हीरो तूने बिल्कुल सही बोला, ये तो नॉर्मल कार से भी ज्यादा अच्छी है। अरे रॉप हीरो तेरे को पता है क्या, इस कार का एक और फायदा है। अरे सुपर हीरो तू कौन से फायदे की बात कर रहा है? अरे रॉप हीरो ये काऊ कार है ना, तो इससे तो हमको दूध भी मिल जाएगा और उसकी हम लोग चाय बना के पी सकते हैं। अरे बेवकूफ ये कोई रियल काऊ नहीं, बल्कि ये तो एक कार है, और कार कहाँ से दूध देने लगी? अरे यार मुझे लगा जैसे काऊ दूध देती है वैसे ये कार भी दूध देती होगी। अरे सुपर हीरो तू तो एक नंबर का बुद्धू है। तो चलो गाइस अभी तो इस कार को तो हमने काफी अच्छे से चला लिया, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले व्हीकल की तरफ। तो अभी न्यू व्हीकल मंगाने के लिए हमको वापस से वही मंत्र बोलना पड़ेगा जो पहले बोला था, ना मुझ चाहिए ना दाढ़ी, जल्दी से मिल जाए एक शानदार वाली गाड़ी। और ये देखो यार अभी तो हमारी अगली गाड़ी भी लोड हो गई। और ये कौन सी गाड़ी है भाई? अरे रॉप हीरो ये तो एक टॉयलेट कार है, और ऐसी कार तो मैंने पहली बार देखी है। तो चलो यार अभी हम लोग इसको चला कर भी ट्राई करते हैं। और गाइस ये तो काफी शानदार चल रही है। और ये देखो यार अगर टक्कर भी होती है तो भी हमारी कार का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अरे रॉप हीरो वैसे तेरे को एक बात बताऊं क्या, इस वाली कार से भी हमको एक बहुत बड़ा फायदा है। अरे यार अभी इस कार से तेरे को कौन सा फायदा हो गया? अरे इस कार से हमको ये फायदा है, अगर हम लोग कहीं दूर जा रहे हो और हमको रास्ते में पोटी लग जाए तो हम लोग इसके अंदर पोटी भी कर सकते हैं। अरे यार ये सारे उल्टे सीधे फायदे तेरे दिमाग में ही क्यों आते हैं, मेरे दिमाग में तो एक भी नहीं आता। अरे वो क्या है ना, मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ इसलिए। अच्छा ऐसी बात है क्या, तब तो फिर ठीक है। तो गाइस ये देखो हमारी कार तो काफी शानदार वाली चलती है। और गाइस अब इस टॉयलेट कार को चलाकर तो काफी मजा आ गया, लेकिन अभी हम लोग मंगाते हैं अपना नया वाला व्हीकल, देखते हैं कि अब की बार हमारे पास कौन सा वाला व्हीकल आता है। तो उसके लिए गाइस हमको वही मंत्र बोलना पड़ेगा जो कि हम बार बार बोलते हैं, ना मुंह चाहिए ना दाढ़ी, जल्दी से आ जाए एक शानदार
शानदार सी गाड़ी। और ये देखो यार, अभी तो हमारी गाड़ी आ गई और इसका नाम तो है न्यू कार्ट का। इस गाड़ी में तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस एक स्टीयरिंग है जिससे हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। अरे चल रो, फिर अभी इसको चला, इसको ड्राइव करने में तो काफी मजा आएगा। देखिए कितनी शानदार चल रही है। गाइस ये कार का तो जवाब ही नहीं है, ये तो सुपर कार को भी हरा सकती है। देखो ये कितनी ज्यादा फास्ट चलती है। और बाय चांस अगर हमारी कार टकरा भी जाती है तो सामने वाली कार ही टूटेगी, हमारी कार का कुछ भी नहीं होगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग इसे ठोक के ट्राई करते हैं। और ये देखो अभी तो हमने उस गाड़ी का कबाड़ा कर दिया। अरे तो चलो यार, अभी हम लोग अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। और इसे चलाने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि कोई कार चलाने में मजा नहीं आता होगा। अरे रो, फिर अभी तो हमने कार्स को तो काफी ज्यादा ट्राई कर लिया, अभी हम लोग बाइक ट्राई करते हैं। हाँ यार सुपर हीरो, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, इसकी कार से इतनी जबरदस्त है तो बाइक तो और भी ज्यादा जबरदस्त होगी। तो फिर चलो यार, अभी हम लोग यहीं पर इस गाड़ी के ब्रेक मारते हैं और अभी हम लोग मंगवाते हैं कोई शानदार सी बाइक। तो फिर चलो अभी मैं वापस से वही मंत्र बोलता हूँ जो कि पिछली बार बोला था, ना मुँह चाहिए ना दाढ़ी, जल्दी से आ जाए मोटर गाड़ी। और ये क्या यार, ये कैसी बाइक है? ऐसी बाइक तो मैंने पहली बार देखी है जिसके तीन तीन बड़े बड़े पहिए हैं। अरे रो, फिर ये तो काफी पावरफुल बाइक है और इसे चलाने में तो काफी मजा आएगा। अरे हाँ यार सुपर हीरो, बिल्कुल सही बोला। चल अभी इसको चला के ट्राई करते हैं। और देखो इसके साइड वाले टायर्स तो किसी भी गाड़ी में से आर पार निकल जा रहे हैं। और ये तो काफी शानदार बाइक है। अरे यार लेकिन जरा सुपर हीरो को देखो, ये तो इस बाइक पर कैसे बैठा है। अरे रो, फिर मैं तो बड़े आराम से बैठा हूँ, इस सीट के आर पार भी मैं अपना मुंह निकाल के देख सकता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग इसकी स्पीड को ट्राई करते हैं। तो देखो गाइज, ये तो KTM बाइक को भी फेल करती है। ये देखो यार, ज्यादा हाई स्पीड में चलाने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग दूसरे वाली बाइक मंगाते हैं। ना मुँह चाहिए ना दाढ़ी, जल्दी से आ जाए एक नई वाली मोटर गाड़ी। और ये देखो यार, ये कौन सी बाइक आ गई, ये तो पिछली बाइक से भी शानदार है और इसका नाम है बगी बाइक। और गाइस इस बाइक का आगे वाला टायर तो लकड़ी का बना हुआ है और काफी ज्यादा बड़ा भी है। तो अभी इसको चला के ट्राई करते हैं। अरे यार फिरो, ये तो काफी फास्ट भाग रही है, ये बाइक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे हाँ यार सुपर हीरो, ये बाइक तो वाकई में काफी तगड़ी है, ये तो रॉकेट से भी तेज भागती है। और इसके जो दोनों व्हील्स है वो भी नहीं घूमते, ये बिना व्हील्स के ही बहुत ज्यादा सुपर फास्ट चलती है। अरे फिरो, तब तो इसके ऊपर व्हीली करने में भी काफी ज्यादा मजा आता होगा। अरे हाँ यार सुपर हीरो, बिल्कुल सही बोला। चल अभी इसके ऊपर व्हीली करके ट्राई कर लेते हैं। और गाइस ये देखो, इस वाली बाइक पर तो हम लोग आसानी से व्हीली कर सकते हैं और ये तो काफी शानदार तरीके से चल रही है। तो गाइस अभी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपने ऐसी बाइक पहले देखी थी या फिर नहीं। और अभी हम लोग अपनी बाइक को यहीं पर रोक देते हैं, अभी काफी देर से हम लोग इसको चला रहे हैं। और गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा बड़ी भी हो चुकी है। तो गाइस अभी आप सभी लोग एक काम कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज की सभी गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ यार, आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो जल्दी से आज की वीडियो को लाइक करके नीचे रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।